हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BS Beauty 02। तो गाइज, आप देख सकते हैं इनके फेस पर कितनी ज़्यादा पिगमेंटेशन है एंड काफ़ी रिंकल्स है, ब्लैकनेस है एंड डार्क सर्कल भी काफ़ी हैं। तो इस तरह की स्किन पर हम लाइट मेकअप कैसे करेंगे, क्योंकि इनको बिल्कुल लाइट मेकअप कराना था और अपनी जो फेस की प्रॉब्लम है इसको भी अच्छे से कवर कराना था। तो गाइज़, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और जब भी हम मेकअप करते हैं तो सबसे पहले हमें CTM करना होता है। तो मैंने इनके क्लिनजिंग टोनर कर दी थी, अब मैंने मॉइस्चराइज अप्लाई किया है। मैंने ये लिया था ग्लोरिका हनी एंड आलमंड मॉइस्चराइज़र, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है एंड मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। और सेकंड पर मैंने अप्लाई किया है CVB का फेस सीरम, जो कि फेस को डीपली मॉइस्चराइज करता है। एंड ये मैंने लिया है CVB का 24K गोल्ड जेल प्राइमर। प्राइमर हमारे फेस पर जो ओपन पोर्स होते हैं उनको अच्छे से क्लोज करता है एंड हमारे फेस पर जो पिगमेंटेशन होती है उसको अच्छे से डल करता है और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखता है और बिल्कुल भी ब्लैक नहीं पड़ता है। हमारा मेकअप अच्छे से टिका रहे एंड ब्लैक भी ना पड़े, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर, क्योंकि इनके फेस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसलिए फेस को फुल कवरेज मिले। तो मैंने ये अप्लाई किया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर, इसको अच्छे से हमें ब्लेंडिंग करना है ताकि हमारा मेकअप क्लियर लगे। तो इस तरह से मैंने इनके आईज़ पर एंड अंडर आईज़ एंड माउथ के अराउंड इसको लगाया है ताकि हमारा मेकअप अच्छे से रहे। और इनको बिल्कुल डार्क मेकअप भी नहीं कराना है, तो मुझे लाइट शेड में ही इनका बिल्कुल मेकअप रखना है। और ये मैं कलर क्वीन का बेस यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारा आईज़ का बेस अच्छे से बन जाए। और गाइज़, अगर आप ब्लेंडर की हेल्प से मेकअप करते हैं तो आपको फाउंडेशन या बेस को कभी भी रगड़ना नहीं है, इस तरह से आपको टैप टैप करना है ताकि हमारा मेकअप अच्छे से ग्लो करे। एंड ये मैं अप्लाई कर रही हूँ कलर स्क्रीन का स्किन वाइटनिंग फेस पाउडर ताकि हमारी आंखों पर लाइंस ना पड़े। तो इसको अच्छे से हम सेट कर देंगे, हमारा आंखों का बेस जो है वो रेडी हो गया है। एंड अब हम इस पर अप्लाई करेंगे आईज मेकअप। और इस तरह से मैंने इनके कट क्रीज पर हल्का सा मेहरूम शेड लिया है, क्योंकि इनकी ड्रेस में गोल्डन और मेहरूम के शेड में कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से मैंने इनके कट क्रीज पर मेहरूम शेड लिया है, इसको हम अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे। और अब मैंने गोल्डन शेड ली है आई शेडो पैलेट से ही, मैं इसको इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक अप्लाई करूँगी। और आपको अच्छे से ब्लेंडिंग करना है, अच्छे से मर्ज करना है ताकि हमारा आईज़ मेकअप अलग अलग ना लगे। और गाइज, मैं लाइट ही शेड ले रही हूँ आईज़ मेकअप में, क्योंकि इनको आईज़ मेकअप भी बिल्कुल ही लाइट कराना था। तो इस तरह से मैंने इनको गोल्डन शेड कर दी है। एंड अब मैं आउटर कॉर्नर पर ब्राउनिश शेड ले रही हूँ। आउटर कॉर्नर पर हम इस तरह से ब्राउन शेड लगा देंगे ताकि हमारा मेकअप और ज़्यादा ग्लो करे। गाइज, हमें कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग ही वर्क करना होता है। इनकी नीड के अकॉर्डिंग मैंने मेकअप किया है, आप देख भी सकते हैं मैंने 3 से 4 आई शेडो का यूज़ किया है, लेकिन फिर भी कितना लाइट मेकअप है। और अच्छे से जितना आप ब्लेंड करोगे उतना ही हमारा अच्छा इस मेकअप लगेगा। तो आप देख सकते हैं अभी भी लाइट मेकअप है, लेकिन मैं हल्का सा इस पर गोल्डन शेड दूँगी ताकि हमारा मेकअप और भी ज़्यादा उभर कर आए। तो मैंने इसको आईबॉल पर अप्लाई किया है, ये है कलर स्क्रीन का वेट सेट शिमर, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो मैंने इसको आईबॉल पर हल्का हल्का सा अप्लाई किया है। और ये है हाइलाइटर, ब्राइट हाइलाइटर है ये, आप देख सकते हैं गोल्डन शेड है। आप यहाँ पर सिल्वर शेड भी यूज़ कर सकते हैं, तो हाइलाइटिंग के लिए आप गोल्डन शेड भी यूज़ कर सकते हैं एंड सिल्वर शेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने गोल्डन शेड यूज़ की है और इसको भी अच्छे से हमें ब्लेंड करना है। अब मैं ADS की आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ, ज़्यादा फिल नहीं करनी है, हल्के हल्के से फिल कर देंगे दोनों आईब्रोज़ को अच्छे से। और गाइज, मेकअप करने से पहले मैंने इनके आईब्रोज़ को सही किया था, क्योंकि जब ये मेकअप के लिए आई तो इनके आईब्रोज़ अच्छे से नहीं बनी थी, लेकिन स्किन रेड ना हो मैंने इनकी आईब्रोज़ में अच्छे से हल्की हल्की सी फिनिशिंग करी थी ताकि मेकअप अच्छा लगे। जैसे कि हम लाइट मेकअप कर रहे हैं तो हमें आईब्रोज़ को भी ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और ये मैं ले रही हूँ रोज़िया ब्रांड का आईब्रोज़ ब्रश, इससे अगर हम आईब्रोज़ को सेट करते हैं तो जो हमारी आईब्रोज़ में ज़्यादा डार्क हो जाता है कहीं को, तो वो अच्छे से इक्वल हो जाता है। आप देख भी सकते हैं कितना डार्क था स्टार्टिंग में, और मैंने इसको अच्छे से ब्रश की हेल्प से इक्वल कर दिया है। और ये मैंने शुगर का लिक्विड लाइनर लिया है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और इसको हम अच्छे से लगाएंगे, बिल्कुल भी लाइनर हमारा अनइवन नहीं होना चाहिए, इक्वल लाइनर होना चाहिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं आप गाइस कितना बारीक ब्रश है, आप इसकी हेल्प से जितना चाहे बारीक लाइनर लगा सकते हैं। जिनका मोटा ब्रश होता है उनसे कंफर्टेबल नहीं लगता है इतना, तो आप बारीक ब्रश वाला ही लाइनर परचेज़ करें, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छे से लाइनर लगता है एंड आप जितना पतला चाहे उतना लगा सकते हैं।
और ये मैं ले रही हूँ मस्कारा, ये भी शुगर का, ये फेसेस कैनेडा का है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, जेल फॉर्म में है ये। गाइस जब हम जेल वाला मस्कारा यूज़ करते हैं तो उससे आईलेसेस ऐसी हो जाती हैं जैसे कि हमने फेक आईलेसेस लगाई हों, तो इसलिए मुझे जेल मस्कारा बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं कलर्स क्वीन का 02 शेड ले रही हूँ जो कि इनकी स्किन से अच्छे से मैच है, एंड थोड़ा सा हाइलाइटिंग के लिए मैंने लिया है इसमें मिक्स करके, जो मैंने आईज़ पर अप्लाई किया था उसको मैंने दोनों को मिक्स कर दिया अच्छे से। और आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड करें और अंडर आई के आप नीचे आपको लूज़ पाउडर या फिर फेस पाउडर जो भी है आपके पास उसको अच्छे से अप्लाई करें ताकि अंडर आई के नीचे लाइन्स ना पड़े। और हल्का हल्का सा हम पूरे फेस पर फेस पाउडर लगा देंगे ताकि हमारा फेस का मेकअप अच्छे से सेट हो जाए। और बहुत ही हल्का सा मैं ब्लश कर रही हूँ, ज़्यादा ब्लश नहीं करना है। और ब्लश करने के बाद मैं करूँगी थोड़ा थोड़ा हाइलाइटर, तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें ब्लश करना है। अब मैं थोड़ा सा हाइलाइटिंग कर रही हूँ। फ्रेंड्स लिपस्टिक लगाने के बाद इनका मेकअप एकदम कम्प्लीट हो जाएगा, और अगर आप इस तरह से स्टेप बाई स्टेप मेकअप करते हैं तो आपका मेकअप कभी भी काला नहीं पड़ेगा। काफ़ी वीडियोज़ में मैं कमेंट्स देखती हूँ कि कमेंट्स रहते हैं कि अगर हम खुद से मेकअप करते हैं तो वो काला पड़ जाता है, किन कारण से आपका मेकअप ब्लैक पड़ता है। मैं आपके रीज़न शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि किस कारण से आपका मेकअप ब्लैक पड़ता है। और फाइनली आप देख सकते हैं इनका हिज मेकअप कितना प्यारा हुआ है, और बिफ़ोर एंड आफ्टर आपके सामने है। तो आप ही कमेंट करके बताना कि आपको इनका मेकअप कैसा लगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही दो प्रोडक्ट से इनका मेकअप किया है क्योंकि इनको डार्क मेकअप बिल्कुल नहीं कराना था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा इनका मेकअप, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।